Hello students, welcome to Road to Success and welcome to the series of classes on Principle of Economics by N. Mankiw. As you all know that we are discussing each and every question which are given in the back of each and every chapter in the book of Principles of Economics by N. Mankiw. In the last video, we finished the third chapter, that is interdependence and gains from trade. And today I'm going to start the next chapter, that is market forces of supply and demand, and I'll be discussing few questions from this chapter. As you can see, a question is written on the screen. I have taken three questions for this video because I don't want to make big videos. It will be 10 to 15 minutes video, and in the next video I will come with the next 3-4 questions. And let me tell you ki, the book which I'm following is 6th edition of Mankiw. You might have some other edition of book. So what I suggest is to have a look into your book and please match the question. It might happen that the number of questions will not match with your edition, with the latest edition book, but the questions will be definitely the same. It's just you have to look it into your book. Okay. So let's start the class. The first question is on our screen. Explain each of the following statements using supply and demand diagrams. Okay. So there are some situations given here, A, B, C, and we have to explain each situation by using supply and demand diagrams. Okay, so one by one we will go. First, question number 1, part A. It says that when a cold snap hits Florida, the price of orange juice rises in supermarkets throughout the country. Okay, so what happens is that when a cold snap hits Florida, what happens? Just think of it. Agar koi cold snap यानी कि बहुत सर्द, कड़ाके की सर्द अगर पड़ेगी फ्लोरिडा में तो क्या होगा? तो जब cold snap होता है ना, तो जो फार्म होंगे, ऑरेंज के जो फार्म होंगे, राइट, वो खराब हो जाएंगे, जो क्रॉप्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट, क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड। अब दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा लिखना नहीं है। अगर आपने डायग्राम दिखा दिया, ठीक से डायग्राम में लिख दिया, कुछ लेबलिंग कर दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें, ठीक है। या फिर सिर्फ आपको डायग्राम की मदद से बताना है कि क्या होगा, ओके, और क्यों होगा, लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक एक पेज, दो दो पेज लिख रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा एक एक पेज, दो दो पेज लिखते हैं, लेकिन सब बकवास, कोई काम की चीज नहीं है। आप 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन में आंसर भी लिख के खत्म कर सकते हैं विद प्रॉपर डायग्राम। ओके, तो क्या होगा कि क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्रॉप की सप्लाई क्या होगी? क्रॉप की सप्लाई कम जाएगी, डिमांड तो सेम रहेगा, तो सप्लाई कम गई, डिमांड इज स्टिल द सेम, तो क्या होगा? प्राइस जो है वो ऊपर उठ जाएगा। तो उसको हम लोग डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, तो देखते हैं ऐसे। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है ऑरेंज का, ये हमारा इनिशियल डिमांड था, ये हमारा इनिशियल सप्लाई था। ओके, सो दिस इज द इनिशियल डिमांड D0, इनिशियल सप्लाई S0। यहाँ आप लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ ऑरेंजेस, और यहाँ लिख सकते हैं डिमांड फॉर ऑरेंज जूस, ठीक है। अब क्या हुआ? तूफान आया, कड़ाके की सर्द आई, जो क्रॉप्स खराब हो गए, तो सप्लाई कर्व क्या होगा? सप्लाई कर्व पीछे चला जाएगा, क्योंकि अब सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो सप्लाई कर्व विल मूव बैकवर्ड। ओके, सो वी विल हैव अ न्यू सप्लाई कर्व। सो दिस S1 इज आवर न्यू सप्लाई कर्व, S1 इज आवर न्यू सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई ऑफ ऑरेंजेस। ओके, एंड यू कैन सी initially the equilibrium price of orange was at this level P1 with this much quantity of oranges Q1, but now the price level has gone up to P2, है ना, प्राइस बढ़ चुका है और जो सप्लाई है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है क्योंकि क्रॉप्स खराब हो गए। सो क्या क्वेश्चन था? एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम। तो इस स्टेटमेंट को हमने सप्लाई डिमांड डायग्राम से बता दिया कि क्या फेनोमेनन यहाँ हो रहा है, सप्लाई कर्व पीछे जा रही है, इसलिए प्राइस जो ऊपर उठ जा रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको मिटा दूं मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन द वेदर टर्न्स वार्म इन न्यू इंग्लैंड एवरी समर द प्राइस ऑफ होटल रूम्स इन कैरिबियन रिजॉर्ट प्लमेट्स। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, इंग्लैंड जो है ना वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ में है, राइट, और वहां बहुत सर्दी पड़ती है। ओके, तो होता क्या है कि सर्दी के टाइम यानी विंटर के टाइम इंग्लैंड से काफी लोग कैरिबिया जाते हैं, कैरिबियन आइलैंड्स, क्यों? इंग्लैंड से क्यों जाते हैं? क्योंकि कैरिबियन आइलैंड में जो टेम्परेचर है ना, जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वार्म क्लाइमेट है, राइट। तो विंटर के समय इंग्लैंड से काफी लोग कैरिबियन आइलैंड जाते हैं और वहां पे जो होटल्स है वो होटल्स बुक करते हैं। अब जाहिर सी बात है आप जाओगे तो वहाँ होटल में रहोगे, तो वहाँ होटल की जो डिमांड है वो विंटर के समय बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पर समर में क्या होता है ना दोस्तों, समर में इंग्लैंड का जो वेदर है वो ऑलरेडी सूदिंग वेदर है। इट इज वेरी सूदिंग वेदर इन इंग्लैंड इन समर। तो समर में कोई कैरिबियन आइलैंड क्यों जाएगा, राइट। तो समर में क्या होता है ना कि वो होटल्स का जो डिमांड है वो कैरिबियन आइलैंड में कम जाता है, डिमांड जो है वो फॉल करता है। एज अ रिजल्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस भी प्लमेट कर जाएगा, प्राइस भी कम जाएगा उसका। इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना, क्वेश्चन का लॉजिक अगर आपके दिमाग में है तो डायग्राम पे भी आप बना सकते हैं। तो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया इनिशियल डिमांड ऑफ होटल रूम्स इन कैरिबियन आइलैंड, ये हो गया इनिशियल सप्लाई ऑफ होटल रूम्स इन कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। सो सप्लाई S1 is equal to supply of hotel rooms in Caribbean island। अब देखिए दोस्तों सप्लाई तो तुरंत नहीं बदल सकता है। ऐसा नहीं कि विंटर में सप्लाई कुछ है समर में कुछ हो गया होटल्स का, क्योंकि होटल बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं कि 6 महीने में होटल्स और बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सप्लाई सेम रहेगा। और यह डिमांड फॉर होटल रूम्स इन कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा समर में, क्या होगा समर में लोग कैरिबियन आइलैंड्स में कम जाएंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनको सूदिंग क्लाइमेट मिल रहा है। तो कैरिबिया में जो होटल्स हैं उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, तो डिमांड कर्व जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो न्यू डिमांड है वो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा। तो दिस इज द न्यू डिमांड। सो दिस D2 is the new demand, okay? तो हम देख सकते हैं इनिशियली जो प्राइस था होटल्स का वो था P1 और अब प्राइस हो चुका है P2। तो यानी कि प्राइस फॉल कर चुका है, क्यों? क्योंकि डिमांड फॉल कर चुका था, राइट। तो इसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? When a war breaks out in the Middle East में अगर वॉर हो जाए, the price of gasoline rises and the price of a used Cadillac falls, okay? तो यहाँ 2 पार्ट है इसलिए मैंने 2 डायग्राम यहाँ आपके लिए बना के रखा है। तो अगर मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो जाए तो गैसोलीन की प्राइस इंक्रीज कर जाती है और कैडिलैक की प्राइस कम जाती है। कैडिलैक क्या होता है दोस्तों? कैडिलैक एक तरह का लग्जरी कार होता है, लग्जरी कार जिसको कैडिलैक कहते हैं, ठीक है। तो कैडिलैक की जो प्राइस है वो कम जाएगी और गैसोलीन की प्राइस बढ़ जाएगी, क्यों? देखिए दोस्तों मिडिल ईस्ट ऐसी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, वहां से निकलता है, वहां की नेचुरल रिसोर्स है, राइट। अब अगर वहां पे जंग है, वहां पे सिचुएशन क्रिटिकल है, वहां पे सप्लाई जो है ऑयल की वो लिमिटेड हो जाएगी, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे रिसोर्सेज युद्ध पे फोकस कर देगी, राइट। वॉर पे सारे रिसोर्सेज वॉर की तरफ जाएंगे, तो ऑयल की सप्लाई जो है वहां रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा कि ऑयल का सप्लाई कमेगा, डिमांड सेम रहेगा, डिमांड तो सेम रहेगा बट सप्लाई ऑयल का कम जाएगा। डिमांड रिमेनिंग सेम, सप्लाई फॉल्स, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? इंक्रीज प्राइस देखने को मिलेगा, राइट। और कैडिलैक का क्या होगा? देखिए कैडिलैक जो लग्जरी कार होती है और लग्जरी कार को चलने में हाई अमाउंट ऑफ ऑयल जो है ना, पेट्रोलियम ये सब लगता है, राइट। अब देखिए अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इफ ऑयल का प्राइस इज राइजिंग, तो जो लोग लग्जरी कार की डिमांड करते हैं वो अब इस कार की डिमांड नहीं करेंगे, यानी कि इस कार की जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। बट एट द सेम टाइम जिनके पास लग्जरी कार है वो जानते हैं कि अब पेट्रोलियम का प्राइस तो बढ़ चुका है, गैसोलीन का प्राइस बढ़ चुका है, तो इससे क्या होगा? अगर गैसोलीन का प्राइस बढ़ चुका है तो हम इन गाड़ियों को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी अगर प्राइस हो जाए तो हम गाड़ियों को कैसे चलाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो इन गाड़ियों को बेचना शुरू करेंगे। तो सेलिंग जो है वो कार का इंक्रीज होगा, कार का सेलिंग इंक्रीज होगा, यानी कि कार का जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ हमें 2 फेनोमेनन देखने को मिलेगा। कैडिलैक के केस में डिमांड कमेगा और सप्लाई बढ़ेगा, फिर हम देखेंगे कि प्राइस पे क्या नतीजा होगा, ओके। और दोस्तों ये तो हमारे कंट्री में भी हो रहा है कि पेट्रोलियम का प्राइस हाई है तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। लोग शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। जिनके पास पेट्रोलियम फ्यूल कार्स है वो अपने डिमांड को कमा रहे हैं फ्यूल कार्स की, वो अब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ हद तक वैसा ही सिचुएशन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो पहला पार्ट, ये मान लीजिए इनिशियल डिमांड है गैसोलीन की और ये इनिशियल सप्लाई है गैसोलीन की, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ गैसोलीन और ये डिमांड ऑफ गैसोलीन, ओके। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है गैसोलीन की, ये पी, ओके। अब क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइस ऑफ गैसोलीन क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वहां पे एक वॉर हुआ है। अब वहां अगर एक वॉर हुआ यानी कि वहां जो गैसोलीन की सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, तो गैसोलीन की सप्लाई जो है वो पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएगी। सप्लाई कर्व विल मूव बैकवर्ड्स, सप्लाई कर्व विल बी हियर, ओके। सो फ्रॉम S0 इट हैज मूव्ड टू S1, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम हैज गॉन अप फ्रॉम P1 टू P2, price of gasoline, sorry not petroleum, price of gasoline has gone up from P1 to P2, right। तो यहाँ पे डिमांड सेम है, सप्लाई पीछे गई, प्राइस इंक्रीज कर गया। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा कैडिलैक में। तो हम लोग देख चुके हैं कि प्राइस ऑफ गैसोलीन इंक्रीजिंग, तो जिनके पास कैडिलैक है अब वो कैडिलैक नहीं खरीदना चाहते हैं, तो कैडिलैक की जो डिमांड है वो कमते हुए नजर आने लगेगी दोस्तों। देखिए, तो ये सपोज इनिशियल डिमांड है कैडिलैक का, ये इनिशियल सप्लाई है कैडिलैक का। सो दिस इज द डिमांड फॉर कैडिलैक्स, दिस इज द सप्लाई फॉर कैडिलैक्स। अब क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब क्या होगा कि जिनके पास कैडिलैक है वो अपने डिमांड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कैडिलैक नहीं चाहिए, इतनी महंगी गैसोलीन से वो अपनी गाड़ियां नहीं चलाना चाहते। तो क्या होगा, डिमांड कर्व पीछे की तरफ आएगा, डिमांड कर्व विल मूव बैकवर्ड्स। बट एट द सेम टाइम जिनके पास कैडिलैक है वो अब अपने पास कैडिलैक रखना भी नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि इतनी महंगी गैसोलीन है वो कैसे चलाएंगे। तो चाह रहे हैं कि वो पुराने कैडिलैक को बेच दें, यूज्ड कैडिलैक दोस्तों, यूज्ड कैडिलैक, ठीक है, यूज्ड कैडिलैक को बेच दें, वो बेचना चाहते हैं इसको। तो क्या करेंगे, वो मार्केट में उसको बेचेंगे, यानी सप्लाई जो है कैडिलैक की बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा, ओके। तो यहाँ दो शिफ्ट होगा, देखिए, एक तो इनिशियल डिमांड से न्यू डिमांड की तरफ जाएंगे जो है पीछे की तरफ, सो फ्रॉम D0 टू D1, ओके। और जो सप्लाई कर्व है वो सप्लाई कर्व इनिशियल से न्यू की तरफ जाएंगे जो S0 से S1 की तरफ आए, S0 से S1 की तरफ, दिस इज द न्यू सप्लाई। और आप देख सकते हैं न्यू सप्लाई और न्यू डिमांड जहां इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, वो होगा हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर कैडिलैक्स, जो कि फॉल कर रहा है, यानी कैडिलैक की प्राइस डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे गैसोलीन की प्राइस इंक्रीज कर रही है और कैडिलैक की प्राइस डिक्रीज कर रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So this is the next question, friends। देखते हैं इसको क्या लिखा है। For each of the following events, describe in words what would happen to the supply, demand, quantity supplied and quantity demanded in the market for new cars। Okay, तो देखिए कार की मार्केट है, कार की मार्केट में क्या होगा इन सब चीजों के होने से, वो हमें सप्लाई डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड के बेसिस पे बताना है। तो जाहिर सी बात है हमें डायग्राम्स बनाने हैं, सप्लाई डिमांड के डायग्राम्स बनाने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, The United Auto Workers get a large raise। देखिए अब क्या दोस्तों, United Auto Workers हैं, उनके सैलरी में इंक्रीज हो गया, उनकी सैलरी बढ़ गई है, राइट। अब देखिए उनकी सैलरी क्यों बढ़ी होगी, थिंक ऑफ इट। जब कोई कंपनी अपने वर्कर्स की सैलरी क्यों बढ़ाएगा, तो इसके पीछे रीजन हो सकता है कि उनकी सैलरी बढ़ा के उनसे ज्यादा टाइम काम करना चाहते हैं, राइट। सो सैलरी बढ़ाएगा, अगर मैं किसी की सैलरी बढ़ाऊंगा यानी कि मैं उससे अब ज्यादा काम करना चाहता हूँ, अगर वो काम ज्यादा करेंगे यानी कि वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, यानी सप्लाई जो है वो भी ज्यादा होगा, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि डायग्राम में अगर ये इनिशियल सप्लाई और इनिशियल डिमांड है, ओके, इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई, तो अब क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा, क्योंकि सैलरी में रेज आया है तो वो लोग काम ज्यादा करेंगे, तो सप्लाई विल मूव टूवर्ड्स राइट। And if supply will move towards right, we can see that the equilibrium price has gone down and the quantity supplied has increased, right? Quantity supplied has increased from Q1 to Q2, price has fallen from P1 to P2, okay। So kya kya pucha hame, so in describe in words what happens to the supply, demand, quantity supplied and quantity demanded in the market for new cars। Supply quantity demanded increases, right? Why? Because there are more quantity increases, why? Because the price is less, people will buy more, quantity demanded is the same, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, राइट, एंड यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग इन वर्ड्स, आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे कि व्हेन द यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स गेट अ लार्ज रेज इट मींस देयर सैलरी इज इंक्रीज्ड, सो इफ देयर सैलरी इज इंक्रीज्ड नाउ दे विल वर्क फॉर प्रोबब्ली दे विल वर्क फॉर मोर आवर्स, सो द सप्लाई of the cars will also increase, which can be shown from the shift of S0 to S1, but the demand remaining the same at D0. It means the quantity demanded is the same, but the quantity supplied has increased. But due to the change in equilibrium level, the price has gone down and the quantity supplied has increased from Q1 to Q2. Okay, तो आपको इसको अपने words में लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहूँ तो आप लोग को materials भेज सकता हूँ, written answer दे सकता हूँ, लेकिन उसे कोई फायदा होगा नहीं। अगर मैं आपको written answer दे दूँ, आप सब उसी को याद करके जाओगे, आप सब वही सेम टू सेम अपने आंसर में लिख दोगे, तो जो एग्जामिनर है उसको समझ में आएगा, उसको आप पुल्लो नहीं बना सकते, उसको समझ में आएगा कि ये एक ही जगह से लिया हुआ मटेरियल है, सबने कॉपी किया है, सबने एक ही जगह से पढ़ा है, किसी का अपना उसमें खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या होगा, आपका जो एवरेज मार्क्स है ना वो ऑलरेडी कम जाएगा, लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखोगे तो आपका एवरेज मार्क्स है वो बढ़ेगा, आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पर मैं आपको कभी भी रिटन आंसर्स तो नहीं दूंगा, मैं नहीं देता हूँ रिटन आंसर्स। मैंने आज तक जीवन में खुद से रिटन आंसर्स कभी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है और एग्जाम में लिखा है, और इसलिए मैं आप लोग को भी रिटन आंसर्स नहीं दूंगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बी, अ न्यू रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। तो इससे क्या होगा देखिए, तो क्या बोल रहे हैं कि अ न्यू रोबोटिक टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। अब देखिए, अगर आप फैक्ट्री में नया टेक्नोलॉजी लाएंगे तो इससे क्या होगा, नया टेक्नोलॉजी से क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज करता है, क्योंकि सपोज अगर हम खेती करें, हम बैल के साथ खेती करेंगे तो हम जितना प्रोडक्शन कर पाएंगे उससे कई गुना ज्यादा हम ट्रैक्टर के साथ खेती करने से प्रोडक्शन कर पाएंगे। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होता है ना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है, तो जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज करती है। तो यहाँ भी सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, सेम रिजल्ट क्या होगा, तो ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से सप्लाई कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व भी बाहर की तरफ जाएगा, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P1 से कम के P2 पे आ जाएगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 से बढ़ के Q2 पे आ जाएगा, और ये सेम चीज हमें वर्ड्स में लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस, उसको बता दूंगा, the government subsidizes bus tickets, hold on, okay, this is the price, this is the quantity, the government subsidizes bus tickets resulting in large reduction in the cost of bus ticket। अब देखिए दोस्तों, इससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने बस के टिकट में सब्सिडी दे दी तो बस का जो कीमत है, बस का जो टिकट का जो कीमत है वो कम जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि ये एक सब्सटीट्यूट गुड है, हम बंदा गाड़ी से नहीं जाएगा तो बस से जाएगा। अब इंसान को लगेगा, सारे कंज्यूमर्स को लगेगा कि अगर बस में टिकट का फेयर कम गया है तो क्यों ना हम लोग कार नहीं यूज करके बस यूज करते हैं, तो लोग कार खरीदना छोड़ देंगे या कार मतलब ओला करना छोड़ देंगे, उबर, यहाँ पे कार मतलब ओला उबर सब कुछ आता है, वो करना लोग छोड़ देंगे, लोग बस प्रेफर करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, कार की जो डिमांड है वो फॉल करेगी, कार की डिमांड फॉल करेगी, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, कार की डिमांड फॉल करेगी, इससे क्या होगा, तो देखते हैं डायग्राम में, तो ये है डिमांड, सॉरी सप्लाई, और ये है डिमांड, ओके, तो ये है डिमांड, ये है सप्लाई, किसकी, गाड़ी की। अब क्या होगा, बस में फेयर कम गया है तो लोग बस की तरफ जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, लोग बस की तरफ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट कार की डिमांड कम रही है, तो कार की डिमांड पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। सो द न्यू डिमांड ऑफ कार इज एट दिस पॉइंट and we can clearly see that the price has gone down from P1 to P2 due to this subsidy policy by the government। quantity भी कम चुकी है, Q1 से Q2 की तरफ, पीछे की तरफ गई है, राइट, सिंपल है। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, इस आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, real income grow and new cars are a normal good। अब देखिए दोस्तों, लोगों की रियल इनकम ग्रो कर चुकी है। रियल इनकम क्या होता है, तो एक होता है नॉमिनल इनकम, एक होता है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम यानी कि आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू इनकम की सिर्फ वो बढ़ रही है, पर रियल इनकम का ग्रो मतलब हुआ कि मनी की जो रियल वैल्यू है, यानी कि प्राइस लेवल के साथ चेक करने के बाद जो मनी की वैल्यू है वो ग्रो कर रही है। यानी कि महंगाई के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको उसको सैलरी आपके पास आ रही है, आपके पास एक पैसा आ रहा है और महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ साथ आपका इनकम भी ग्रो हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रियल इनकम ग्रोथ। तो रियल इनकम ग्रो हो रही है और कार्स जो है नॉर्मल गुड है, ठीक है, कार्स आर नॉर्मल गुड। तो इससे सप्लाई डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं। देखिए, रियल इनकम अगर बढ़ती है किसी की, रियल इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो भी बढ़ता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इन्फीरियर गुड, रियल गुड, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, गिवन गुड्स, इन टाइप की चीजों में हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि अगर किसी नॉर्मल गुड की बात करें तो हमारे रियल इनकम के ग्रोथ से नॉर्मल गुड का डिमांड जो है वो इंक्रीज करता है। अगर गुड इन्फीरियर हुआ तो हमारे इनकम के ग्रोथ से उसका डिमांड डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम इंक्रीज कर गया तो अब आप बस से नहीं जाओगे, अब आप ऑटो से जाओगे। अगर आप पहले ऑटो से जाते थे तो अब आप ऑटो से नहीं जाओगे, अब आप कैब से जाओगे, राइट। तो जब आपका रियल इनकम ग्रो करेगा तो आपका इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड है ना वो कम जाएगा, लेकिन नॉर्मल गुड्स का डिमांड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा डिमांड, ये हो गया हमारा सप्लाई, और रियल इनकम बढ़ा है यानी कि डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड विल गो अपवर्ड्स and as a result we can see that there is a increase in price। गाड़ियों की जो कीमत है ना वो इंक्रीज कर जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। इसके कारण क्या हुआ, देखिए दोस्तों के लोगों की रियल इनकम बढ़ी है। अगर रियल इनकम बढ़ी है तो प्राइस भी ज्यादा दे सकते हैं और ज्यादा खरीद रहे, इसलिए Q1 से Q2 की तरफ मूव किया, राइट। तो इन सब को हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर हाँ एक डायग्राम दिखा दोगे ना तो आपको लिखना कम पड़ेगा, ये 100% की बात बता रहा हूँ आपको। अगर आप डायग्राम बना दोगे ना तो लिखना कम पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर्स भी है ना, उसको वो 4-5 लाइन पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, वो चाहता है या चाहती है कि उसको एक डायग्राम मिल जाए, वो डायग्राम से समझ जाए कि इस बंदे को आता है कि नहीं आता है। अगर आप 4-4 लाइन 5-5 लाइन लिखेंगे तो उसका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि वो उन 4 लाइनों को या 5 लाइनों को पढ़े। डायग्राम देख के वो समझ जाएगा कि हाँ सही लिखा है या गलत लिखा है, वो आपको मार्क्स दे देगा। तो ट्राई करिए डायग्राम बनाने का, लिखने के पीछे मत भागिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कंसीडर द मार्केट फॉर मिनी वैन्स फॉर ईच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड हियर, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और सप्लाई आर अफेक्टेड, ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड और सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, then draw a diagram to show the effect on the price and quantity of minivans। So देखिए क्या है, अलग अलग इवेंट्स हो रहा है मिनीवैन से रिलेटेड, तो हमें पहले तो ये पता लगाना है कि ये इवेंट्स कौन से फैक्टर के कारण हो रहा है, कौन से डिटर्मिनेंट के कारण हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण या इनकम के कारण या किन चीजों के कारण हो रहा है। दूसरा, हमें ये पता लगाना है कि ये होने से सप्लाई या डिमांड में से कौन अफेक्टेड हो रहा है और कैसे अफेक्टेड हो रहा है, यानी कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और लास्टली हमें इन चीजों को एक डायग्राम की मदद से दिखाना है कि वैसा होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से सप्लाई और डिमांड का प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो इसमें 3 पार्ट है, हर क्वेश्चन में 3-3 चीजें हमें दिखानी है। पहला तो समझते हैं, देखिए इसे। पहला क्वेश्चन क्या है, पीपल डिसाइड टू हैव मोर चिल्ड्रेन, ठीक है। अब देखते हैं मिनी वैन से रिलेटेड ये इंसिडेंट कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, लोगों ने सोचा कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो इसमें कौन सा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अफेक्टेड होगा, कौन से डिटरमिनेंट के कारण ये इंसिडेंट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लोगों की अपनी चॉइस है, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। तो जो फैक्टर, जो डिटरमिनेंट इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस इवेंट में, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्योंकि लोग चाह रहे हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करें। अब इससे मिनी वैन के डिमांड या सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा। तो देखिए, अगर लोगों के पास ज्यादा बच्चे होंगे, राइट, सोच के देखिए, अगर हमारे घरों में ज्यादा बच्चे होंगे तो हमें बड़े गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, राइट, बिग व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब अगर बिग व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी तो मिनी वैन का जो डिमांड है मिनी वैन का, वो ऑफकोर्स कम जाएगा, क्योंकि मिनी वैन में तो अब मेरे परिवार बैठ नहीं पाएगा ना। मेरे परिवार को बैठने के लिए बिग व्हीकल चाहिए, एसयूवी चाहिए, एक्सयूवी चाहिए, ऐसी गाड़ियां चाहिए। तो मिनी वैन का जो डिमांड है वो फॉल करेगा। अब इन चीज को हमें डायग्राम से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो ये हमारा मिनी वैन का डिमांड था, ये मिनी वैन का सप्लाई था। ओके, अब क्या हुआ, मिनी वैन का डिमांड कम गया, यानी पीछे की तरफ आ गया, मिनी वैन का डिमांड पीछे की तरफ आ गया। सो दिस इज द न्यू डिमांड डी डैश। तो हम देख सकते हैं क्या हुआ है, पहले मिनी वैन का जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो था P1, अब है P2, यानी कि मिनी वैन की जो प्राइस है वो कम चुकी है। पहले मिनी वैन की क्वांटिटी सप्लाइड थी Q1, अब है Q2, यानी क्वांटिटी सप्लाइड भी रिड्यूस हो चुकी है। यही चीज अब आपको दिखाना है, ड्रॉ डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मिनी वैन। तो मिनी वैन की प्राइस डिक्रीज करेगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। तो अगला इंसिडेंट क्या है, अगला इंसिडेंट है अ स्ट्राइक बाय द स्टील वर्कर्स रेजेस स्टील प्राइसेस। देखिए दोस्तों, स्टील वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, स्टील वर्कर्स ने स्ट्राइक की है। तो इससे क्या होगा, अगर स्टील वर्कर्स स्ट्राइक कर देंगे तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी तो स्टील का जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट, स्टील का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। स्टील का सप्लाई रिड्यूस होगा यानी कि वैन्स का भी सप्लाई रिड्यूस होगा, मिनी वैन्स का, क्योंकि मिनी वैन्स बनाने में स्टील एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। और इससे क्या होगा, जो प्राइस है स्टील का वो भी इंक्रीज करेगा। अब अगर स्टील का सप्लाई नहीं है तो स्टील का प्राइस इंक्रीज करेगा, और स्टील का प्राइस इंक्रीज करेगा तो मिनी वैन का भी प्राइस इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पे मिनी वैन का सप्लाई भी कम रहा है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसे देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन सा फैक्टर इंक्लूडेड है और कैसा इसका डायग्राम होगा। तो फैक्टर इंक्लूडेड हुआ यहाँ पे प्राइस, फैक्टर जो इंक्लूडेड हुआ वो हुआ प्राइस। मिनी वैन का जो सप्लाई है वो कम क्यों रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक मिनी वैन हैज इंक्रीज्ड। मिनी वैन बनाने के लिए स्टील लगता है, स्टील में स्ट्राइक हो गया तो स्टील का प्राइस बढ़ गया, तो स्टील का प्राइस बढ़ गया यानी कि मिनी वैन कंपनीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर चुका है, यानी कि प्राइस इंक्रीज कर चुका है। तो सिंस प्राइस इज इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई मिनी वैन सप्लाई विल कम डाउन, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। सो दिस वाज द इनिशियल सप्लाई ऑफ मिनी वैन, इनिशियल डिमांड ऑफ मिनी वैन। ओके, नाउ द सप्लाई ऑफ मिनी वैन विल रिड्यूस, व्हाई, बिकॉज हाई प्राइस, प्राइस इज हाई, किसका, स्टील का, स्टील का प्राइस ज्यादा है तो मिनी वैन का सप्लाई कम होगा, राइट। द सप्लाई ऑफ मिनी वैन विल मूव फ्रॉम एस टू एस डैश, एज अ रिजल्ट वी कैन सी दैट द प्राइस ऑफ मिनी वैन हैज इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2 एंड क्वांटिटी हैज डिक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो भाई सिंपल है, बस इसको आपको लॉजिक से समझना है, ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है, जनरल नॉलेज लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, बस सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर्स डेवलप न्यू ऑटोमेटेड मशीनरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिनी वैन्स। इंजीनियर्स को नया टेक्नोलॉजी पता चल गया, क्या चीज का नया टेक्नोलॉजी पता चला, मशीन बनाने का, आई मीन मिनी वैन बनाने का। तो इससे क्या होगा, अगर नया अभी मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई इंक्रीज करता है, राइट। The supply of mini vans will increase, so this is the supply. There will be a new supply. So let me draw the demand curve first. This is the initial supply. This is the initial demand. With the new technology, the supply of mini van will increase from S to S dash. It will increase, and we can see that the price has come down from P1 to P2, and the quantity supplied has increased from Q1 to Q2. क्योंकि नए टेक्नोलॉजी में कम समय में ज्यादा गाड़ी बन सकती है। ओके, और यहाँ पे कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर के कारण ये हो रहा है, तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल राइजेस। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल मतलब बता दूं एसयूवी, जो हम लोग एसयूवी करते हैं ना, वही होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। तो देखिए, अगर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो इससे क्या होगा, एसयूवी की कीमतें बढ़ गई तो लोग ज्यादा से ज्यादा मिनी वैन खरीदने की कोशिश करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मिनी वैन का जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, यानी कि अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो हम बोलेंगे कि क्लोज सब्स्टिट्यूट का प्राइस इफेक्ट, यहाँ पे हो रहा है क्लोज सब्स्टिट्यूट का प्राइस इफेक्ट। हम लोग करते हैं ना, अगर जैम की कीमत बढ़ गया तो बटर यूज करेंगे, चाय का कीमत बढ़ गया तो टी कॉफी यूज करेंगे, इस तरह की चीजें। तो एसयूवी की कीमत बढ़ चुकी है तो मिनी वैन लोग यूज करेंगे। तो जो पहले एसयूवी यूज करते थे अब वो नहीं सोच, यानी कि सपोज जो लोग सोच रहे थे कि एसयूवी खरीदेंगे 3 महीने बाद 6 महीने बाद, लेकिन देख रहे हैं कि कीमत बढ़ रहा है एसयूवी का, तो वो लोग सोचेंगे कोई बात नहीं अब मिनी वैन खरीद लेते हैं क्योंकि मिनी वैन का कीमत एसयूवी के कंपेरिजन में अभी भी कम है। ओके, तो इसका डायग्राम कैसे होगा? तो डायग्राम विल बी लाइक दिस, demand for minivans, sorry, supply for minivans, and this is the demand for minivans, demand and supply. Now since SUV price has gone up, so the minivan demand will increase. So the demand for minivan has increased from D to suppose D dash. Okay, from D to D dash. As a result, what will happen? This was the price. This was the initial price of minivans, and this is the new price of minivans. So the price of minivans has increased. And the supply of minivans has also increased from Q1 to Q2. Okay, तो ये एक इम्पैक्ट है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वो है स्टॉक मार्केट क्रैश लोअर्स पीपल्स वेल्थ। अब लोगों की अगर इनकम नहीं है, स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्टेड हो रहा है? वो है इनकम, राइट? कौन सा डिटर्मिनेंट अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पे? वो है इनकम। लोगों की इनकम नहीं है, इनकम कम चुकी है। अब अगर लोगों की इनकम कम चुकी है तो लोग मिनी वैन का जो डिमांड है वो क्या करेंगे? मिनी वैन का डिमांड भी कमेगा, राइट? क्योंकि मिनी वैन इज अ नॉर्मल गुड। मिनी वैन अगर नॉर्मल गुड है तो जाहिर सी बात है इनकम कमने से उसका डिमांड भी कमेगा। तो इसको आप ग्राफ में दिखाते हैं कैसा होगा। सो ये सपोज करते हैं हमारा सप्लाई था मिनी वैन का, ये हमारा डिमांड था मिनी वैन का। अब इनकम कमने से क्या हो रहा है? डिमांड ऑफ मिनी वैन इज कमिंग डाउन। सो वी हैव अ न्यू डिमांड कर्व हियर, new demand curve from D to D dash, and we can see that the initial price of minivan was P1, initial quantity was Q1, and now the new price is P2, and the new quantity is Q2. So we can see that the price of the minivan has fallen down, and the quantity supply has also, the quantity actually equilibrium quantity has also reduced, right? So in पांचों incident के लिए supply, demand, प्राइस, क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बट अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ। और वही चीज जो मैं बोलता हूँ आप लोग को, इस वीडियो को लाइक प्लीज कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्कशन में शामिल हो पाए। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है जनवरी में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, मिड जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप लोग को तैयारी अच्छे से करनी है। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होता है, पीछे के क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। कॉलेजेस में आपको पीछे के क्वेश्चन करवा के नहीं दिए जाएंगे, वो आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। और एक चीज है कि अगर आप शेयर करोगे तो YouTube के एल्गोरिदम में वो आएगा, इससे मुझे मदद मिलेगी, ठीक है? तो आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, वो लोग पढ़ सके। और अगर किसी का कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता हो तो मुझे बताए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए वेट करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में इसके बाद की जो क्वेश्चन है इस चैप्टर की उन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए रखता हूं मैं।